अस्सलाम वालेकुम बेटा, बच्चे लोग देखो, ये है हमारी खुशी, हमारी हमारी सबकी हमारी खुशी का क्ले। ये है ब्लैक होल। देखो, मैंने उनसे बड़े बड़े चंक मांगी थी। ये खुशी का स्टॉक है, मेरा नहीं है क्योंकि हमारा स्टॉक अभी तक नहीं आया। ये खुशी जी का स्टॉक है, जिनके चैनल का नाम है किशा कृषा नॉन ग्रिटी आइटम। बहुत अच्छा है, कल आया था ये पार्सल, जिसका मैंने आप लोग को बॉक्स का वीडियो कल डाली थी। देखो कितने अच्छे अच्छे चंक है, दो तीन चंक ऐसे थे जिसका स्क्रीनशॉट मैंने खुशी को भेजी थी कि खुशी बेटा मुझे वो डाल देना, वो बच्ची ने डाली मुझे। ठीक है, देखो चलो करते क्रंच। मेरे बच्चे बोलते रहते आंटी क्रंच करो 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 करो, करते क्रंच, इसका क्रंच करती हूँ। ठीक है, कोई आ गया बेटा, करती हूँ उनको। हाँ सॉरी बेटा, वो मेरी बेटी आ गई थी। चलो करते क्रंच। काफ़ी क्रंची और स्मूथी वाला टेस्ट है इसमें। क्रंची बहुत है यार, अभी बारिश के टाइम पे इतना क्रंची वाला स्टॉक नहीं मिलेगा आपको, क्यों मालूम है? खाएंगे तो आवाज़ आना चाहिए, खा रहे हैं और आवाज़ नहीं आ रही तो समझना वो स्टॉक को नमी लग गई, नमी मतलब गीला हो गया वो। क्योंकि बारिश में स्टॉक को बहुत संभालना पड़ता बेटा, बल्क होता है ना, बल्क में भी छोटे 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 खड्डे होते, हवा कहीं ना कहीं से अंदर चली जाती है मिट्टी के अंदर। तो उसमें नमी पड़ जाती, नमी ये हल्का अंदर पिंक है, देखो कितना सॉफ्ट है, बताती। ऐसा टूट टूट के टुकड़े हो जाते ना, बहुत अच्छा लगता है। देख लो, और ये है खुशी का रेड बटर, ये भी बहुत क्रंची है।
अभी दस दस मतलब एक डेढ़ घंटा पकड़ लो, मैं जिनसे मंगा रही हूँ उनका फ़ोन आया था सेलर का, वो बोले कल वो मेरा माल भेज देंगे, दो दिन में आ जाएगा। ठीक है, मैं दो जगह से मंगाई बेटा, दो जगह से, एक जगह से नहीं दो जगह से, अलग अलग जगह से। मैं सोलो कर रही हूँ, ठुकरी नहीं हूँ। देखो कैसा हो गया, देखें पूरा तोड़ गया, बहुत अच्छी क्लिप, बहुत साफ अच्छे। बहुत अंदर का टेक्सचर भी देखो। थैंक यू खुशी, खाने में भी इतना मज़ा आ रहा है। मैं अभी तक ये मिलाकर पूरा 19 किलो खुशी से ले चुकी हूँ। कल मैं बैठ के हिसाब कर रही थी कि मैंने कितना खरीदा है। मैं कश्मीर जाने से पहले खुशी से 3 केजी बोली थी, कश्मीर के बाद आने के टाइम पे फिर मैंने उनको 11 केजी का बोली थी, फिर उसके बाद मैंने उनसे 3 केजी और मंगाई, फिर उसके बाद 1 केजी मंगाई, पूरा 19 केजी ली मैंने उनसे। किले इतनी अच्छी है, मस्त, उनका स्टॉक देख के ही मुंह में पानी आ जाता है वीडियो में। मेरा कब आएगा क्या पता। मैं दो जगह से मंगाई बेटा, एक तो गुजरात सर से और एक पूना सर से, दोनों भी स्टॉक मैं बताऊंगी। ठीक है, ना गिर रहा टूट टूट के, देख रहे ना, हाँ सब बोलते हैं। एक बच्ची पूछ रही थी मुझे, आंटी आपकी ज़बान काली है, क्ले खा के काली हुई क्या? बेटा क्ले खा के काली नहीं होती किसी की ज़बान, क्ले खाने से काली नहीं होती है, मेरी बचपन से ऐसी है। दिख रहा आपको? बचपन से बेटा, पैदाइशी काली जबान वाली हूँ मैं। और सब बच्चे ये भी पूछते हैं ये तीन के बारे में, बेटा ये भी रियल है, ये नाक पे ये भी रियल है, और नाक के नीचे देखो यहाँ छोटी सी है, ये भी रियल है। मेरे में कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है बेटा, मेरे को बिना, मैं वो भी आईब्रो बनाती थी बहुत पहले, अभी वो भी छोड़ दी। चलो हार्डी बस सुन लिए, एक बच्ची ने पूछी थी इसलिए मैं बताई, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है बोलने का पूछने का। क्ले खाने से मेरी जबान काली नहीं हुई बेटा,
बचपन से काली है, जब से मैं पैदा हुई, जब से मैंने होश संभाली हूँ, जब भी मैं देखती हूँ अपने आप को तो ज़बान मेरी काली दिखती थी। और हाँ बेटा, तुम लोग के लिए, अच्छे बच्चों लोग के लिए बोल रही हूँ, जो एनिमल्स लवर है उनके लिए, प्लीज़ बेटा ये टाइम पे, बारिश के टाइम पे ये बेजुबान जानवर, हालांकि ज़्यादातर कुत्ते और बिल्ली, ठीक है, बाकी जानवरों का तो नहीं मालूम मेरे को। हाँ बाकी परिंदे तो चलो अल्लाह ने उनको उड़ना सिखाया है, उड़ते हैं वो लोग कहीं भी छुप जाते, जल्दी पहुँच जाते। पर बेटा प्लीज़ जो डॉगी है और जो बिल्ली है, अगर आपके घर के बाहर भीगते होंगे तो प्लीज़ उनको भगाना नहीं, मारना नहीं। बहुत जन होते हैं कि बारिश के टाइम पे वो आके बेचारे खड़ जाते दहलीज पे, तुम भगा देते, मार देते, मतलब खाना नहीं दो चलेंगे आप लोग, पर मार के मत भगाओ बेटा, उनको भी ठंडी लगती है। हमारे को देखो घर में रह के बिस्तर पे सो के इतनी ठंडी लगती है हमको, लगती क्या नहीं लगती, फ़ैन बंद कर देते ठंडी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे एसी चला लेते, उनका क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है उनको, तो पेट के लिए खाना भी नहीं है सही से, दिन भर भूखे, कितना कितना मीलों दूर, कितना किलो किलोमीटर दूर चलते खाने के लिए, गंदा गंदा कचरा खा के अपना पेट ख़राब करके फिर बीमारी लेके एक दिन मर जाते हैं। उनकी उम्र बहुत कम है, तो प्लीज़ उनकी कम उम्र में उनको, और उम्र से पहले, मरने से पहले, ऊपर वाली की मौत उनको आने से पहले आप लोग मत मार के भगाओ। और याद रखो कोई भी जानवर है ना, ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं काटता बेटा, उनको उंगली करेंगे जब तक कि आप लोग को मालूम, छोटे बच्चे खेलते खेलते पत्थर मार देते, डंडा मारते, तो जाके वो डॉगी अपने बचाव के लिए, उसको डर लगता है कि हाँ ये मेरे को मार देगा, बोल के जब काटते, नहीं तो कोई डॉगी नहीं काटता। मैंने कितनी वीडियो ऐसी देखी कि कोई बच्चे को डॉगी काट दिया तो लोगों ने उनको उसको मार मार के कोई पत्थरों से, कोई डंडे से मार के मार दिया। बेटा क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये भी सोचना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे की गलती, मैं जानती हूँ अगर सही में मेरे, अगर मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ ना तो फिर मैं जानवर को वो नहीं करूँगी कि जानवर की गलती है, क्योंकि मैं सोचूंगी मेरी बच्ची की गलती है। क्यों, जब तक कि इंसान आगे से बेजुबान जानवर उनको उंगली नहीं करता, उनको चोट नहीं पहुंचाता, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाता, वो लोग नहीं करते कुछ भी। अब एक बात बताओ, मैंने वो घर छोड़ के मैं यहाँ आई, तो यहाँ भी मेरे इतने जो बच्चे, नए बच्चे, मैं जाती हूँ हाथ लगाती हूँ, काटते भी नहीं, करते भी नहीं, मैं उनके पिल्लू को उठाती हूँ, छोटे छोटे पिल्लू होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको उठाती हूँ, तो उसकी माँ होती है नहीं काटती है मुझे, क्यों, वो भी, उनको भी पता चल जाता है कि कौन प्यार करने वाला कौन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी देखो मैं ये नहीं बोलूँगी पानी दो ये दो, क्योंकि बारिश का टाइम है, पानी उनको बहुत मिल रहा है, कहीं भी मिलता है वो पी लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बस बारिश में भीगते हुए अगर आपकी दहलीज के पास खड़े या आपके बिल्डिंग में घुस जाए, खड़े रहे, तो प्लीज़ मत भगाओ उनको। मैं तो क्या करूँ, मैं सोचती हूँ मेरे वॉचमैन को पैसा दूँ, पर बोलूँ कि रात में डॉगी लोग को अंदर रहने दे, मत भगा, पर नहीं, हमारा वॉचमैन बहुत अच्छा है, नहीं भगाते वो लोग। पर मेरे हस्बैंड बोले पैसा सब मत दो, मैं समझा दूंगा उसको, वो करेगा बोले। तो मैं भी आपको बोली ना, एक माँ ने पिल्लू दिए बहुत अच्छे प्यारे प्यारे, तो उनको रात में 2 बजे 1 बजे जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं नीचे जाती हूँ, चुपके से माँ बच्चों को सबको अंदर ले लेती हूँ बिल्डिंग में। हम लोग सही है बेटा, पर कोई कोई ऐसे होते हैं ना जो प्यार नहीं करते, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है जानवरों के लिए। कम से कम उन लोगों को खाना नहीं देते, तकलीफ़ मत पहुंचाओ, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, और कुछ नहीं बेटा। सही में अभी आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं एक चीज़ बोलूँगी तो बुरा नहीं मानना प्लीज़। मेरे को ना कोई गाड़ी वाला एक इंसान को ठोक के चला जाए ना, तो मेरे को इतना ख़राब नहीं लगता है, जो है मैं वही बोल रही, मुझे इतना ख़राब नहीं लगता है, ठीक है। हाँ दुख होता है, तकलीफ होती, पर इतना नहीं होता है जानवर के कंपेयर में, इतना नहीं होता। हाँ जानवर को अगर कोई इंसान ठोक के चला जाए तो उसकी तो गाड़ी के पीछे जाके उसकी माँ बहन करके उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। अगर मेरे सामने, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना ही होगा, अल्लाह ना करे, मैं नहीं देख सकती ये सब चीज़ें, तो बस मैं यही बोलती। इंसान तो क्या है बेटा, भीख मांग के खा लेता है, किसी से मांग के खा लेता है, चोरी कर लेता है, कमा के खा लेता है, सब कर लेता है, वो कौन बेजुबान जानवर कौन। अरे आपको ये भी मालूम है ना, एक वीडियो में मैं देखी, वो अच्छी वीडियो बनाया उन्होंने, किसने बनाया मुझे नहीं मालूम, वो बोलता है कि गाय भैंस बकरी वो लोग तो पत्ते घास फूस खा के अपना पेट भर लेते हैं, ये डॉगी लोग को इंसान के ऊपर ही डिपेंड है लोग, बिल्ली और कुत्ते, वो लोग हम जो खाते वही बासी कुसी तो खाते बेटा, कौन सा ताज़ा ताज़ा बना के देना। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये बारिश के टाइम पे बहुत बारिश हो रही है, अगर कोई बेजुबान बच्चा आपकी दहलीज पे, आपके दरवाजे पे आके खड़ा है, तो प्लीज़ उसको मार के मत भगाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है बेटा। ऐसा करके एक 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 मैं ये मैसेज इसलिए
दे रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी बात सुन के कोई एक दो भी इंसान ऐसा बच्चों के लिए केयर करेगा तो फिर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। और मैं बहुत खाली, अभी जाके पानी पीती हूँ पेट भर के, बहुत खाली बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।